हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ईद मेकअप लुक। इस मेकअप लुक को बहुत आसानी से कोई भी ट्राई कर सकता है दोस्तों, बहुत आसान है इस मेकअप लुक को करना। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैंने इस मेकअप लुक को कैसे किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि मैंने इस मेकअप लुक को कैसे किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पतंजलि की सौंदर्या एलोवेरा जेल एज अ फेस प्राइमर। मैं इसे लगा रही हूँ। आपके पास जो भी एलोवेरा जेल हो वो आप यूज़ कर सकते हो एज अ प्राइमर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। और गाइज, जो भी आपके पास मेकअप प्रोडक्ट्स हो उनकी हेल्प से आप इस मेकअप लुक को कर सकते हो। तो इस मेबेलिन की फाउंडेशन को मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है गाइज। इसका रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब मैं यहाँ पर एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इस फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन कॉम्पैक्ट पाउडर। अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं इस कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी आईब्रोज को सेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को कॉम कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर ले रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। तो बहुत ही अच्छा आईब्रो पाउडर है, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का ये प्रो कंसीलर, ताकि मेरी आईज़ पर जो भी पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं और जो भी पफिनेस है, तो वो अच्छे से हाइड हो जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा कंसीलर है, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसे लगा लिया है। अब मैं इसे एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे ब्लेंड कर रही हूँ। और गाइज, जो भी आपको नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरे घर में काम चल रहा है, तो मुझे छत पर बैठकर ये वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइज, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा नॉइज़ को। अब मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इस कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हिलेरी रहूडा के पैलेट से ये लाइट ग्रीन कलर का शेड लूँगी और इसे अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, कुछ इस तरीके से। अब मैं सेम पैलेट से डार्क ग्रीन कलर का शेड लूंगी और इसे भी मैं अपनी क्रीज लाइन पर इस तरीके से लगाते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। जो भी आपके पास ग्रीन कलर का शेड हो उसकी हेल्प से आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। उसके बाद मैं ये ग्रीन कलर का आईलाइनर ले रही हूँ। ये देखिए, ये ब्लू हेवन का आईलाइनर है और बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा आईलाइनर है। तो इस तरीके से आपने इसे रफली लगा लेना है अपनी पूरी आईलिड पर। और अगर आपको गाइस लगता है कि थोड़ा सा चिपचिपा सा आपको लग रहा है, स्टिकी लग रहा है, तो आप सेम ग्रीन कलर का आई शेडो लेकर इसके ऊपर लगा लीजिए और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लीजिएगा, तो इससे ये स्टिकी नहीं लगेगा, चिपचिपा सा नहीं लगेगा। आप जानते ही होंगे कि कैसे होते हैं आईलाइनर इस तरीके के। तो ये देखिए, मैंने ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। आपके पास जो भी ग्रीन कलर का आईलाइनर हो उसकी हेल्प से आप इस लुक को कर सकते हो। तो देखिए, मैं भी ग्रीन कलर का आई शेडो ले रही हूँ, सेम आई शेडो जो मैंने क्रीज लाइन पर लगाया था। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने लगा लिया है और ये अब और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी हो गया है, काफ़ी देर तक आईज़ पर टिका रहेगा, पसीने से ये बहेगा भी नहीं आपकी आंखों से। तो आप इस ट्रिक को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद मैं सेम पैलेट से ले रही हूँ ये डार्क ब्लू कलर का शेड, क्योंकि गाइज़ जो मेरी ड्रेस है उसके साथ इस तरीके का अगर मैं ये शेड लगा रही हूँ तो बहुत अच्छे से मैच जाएगा मेरा आई शेडो। आप भी इस ट्रिक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज़। अगर आपके पास सेम परफेक्ट ग्रीन कलर नहीं है आपकी ड्रेस के मैच का, तो आप इस तरीके से ब्लू कलर का शेड भी लगा सकते हैं ग्रीन कलर के आई शेडो के ऊपर, मिक्स कर कर आप लगा सकते हो गाइज़। देखिए, परफेक्ट कलर आया है जो कि मेरी ड्रेस का है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे आईलाइनर और स्मॉल विंग्ड आईलाइनर लगा लूँगी मैं यहाँ पर। आपको जैसा भी आईलाइनर पसंद होगा गाइस, वो आप लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा। आप चाहें तो फॉल्सीज भी लगा सकते हो गाइस। तो यहाँ पर मैंने मस्कारा के एक से दो कोट लगा लिए हैं और जो ग्रीन कलर का आईलाइनर मैंने अपनी आईलिड पर लगाया था गाइस, वही मैं लोअर लैश लाइन पर भी लगा लूँगी। इस तरीके से काजल की तरह लगा लूँगी मैं सेम ग्रीन कलर का आईलाइनर। ये देखिए, इस तरीके से लगा लेना है आपने। अब मैं यहाँ पर अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ।
उसके बाद मैं कंटूरिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी के ब्लश पैलेट से ब्लश लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाइलाइटर, सेम पैलेट से मैं हाइलाइटर भी लगा लूँगी। और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तब भी आप इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मार्स शिमर आई शेडो पैलेट से, ये लाइट ग्रीन कलर का शेड लूँगी और इसे अपनी फिंगर की हेल्प से बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से मैं लगा लूँगी गाइस, क्योंकि मैं भूल गई थी पहले लगाना। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा लिया है लिप लाइनर और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ किस ब्यूटी की ये मजेंटा कलर की लिपस्टिक। सो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ईद मुबारक।